आई होप आप सब अच्छे होंगे। ये है रिमेनिंग स्टॉक वीडियो और आज डेट है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को मैं अपना स्टॉक आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद में कम हो जाए ज्यादा हो जाए वो एक अलग सिचुएशन है। तो ये ब्रोकन स्लेट पेंसिल है जो टोटली क्लीन है, एकदम 100% क्लीन है। मैंने डब्बे में से अलग कर ली थी ब्रोकन ब्लैक। ये ब्रोकन ब्लैक के डब्बे में इसलिए रखा है क्योंकि उस दिन ब्लैक का डब्बा नीचे दब रहा था और मैंने जल्दबाजी में ये इसमें रख दिया था। अभी सेट करूंगी। ये अनशेप्ड बार है और कुछ सही सलामत वाली बार है। चलो अलग से बनाऊंगी रीअरेंज वीडियो, वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी सेटिंग करने बैठे। ये रेड सेलस्टोन, ये हमारी पंजाब की मिट्टी, रेड सेलस्टोन अनशेप्ड थिक वाली वाइट बार क्योंकि ये डब्बे में आई नहीं। ये सेलस्टोन आप जानते हैं ब्लैक वाले का, ये हमारा बड़ा वाला ब्लैक वाला। ये हमारी दोनों क्रंची लेयर हैं जो टूट गई थी। नीचे कुछ नहीं है, थैला है। थैले में थोड़े बहुत वाइट और वाइट ही होंगे शायद, मेरे अंदाजे से तो मैंने वाइट ही छोड़ रखे हैं। अरे नहीं, रेड सेलस्टोन के ब्रोकन है, रेड सेलस्टोन के ब्रोकन है। फटाफट आपको पहले खोल के दिखा देती हूँ। पंजाब की मिट्टी हमारी। ये डब्बा है मेरा, कितने किलो का डब्बा है ये पता नहीं, पता है मेरा मतलब 5 किलो का डब्बा है ये सबसे बड़ा वाला है। इसमें 4-5 डब्बे थे। ये अनशेप्ड ब्लैक बार जो हमारी ड्राई हो चुकी है ये वो है। ये ब्लैक रेड वाला थिक वाला जो सेलस्टोन है, ये सब रेड ब्रोकन है। मैंने निकालने लिए था कि मैं डब्बे में रखूँगी ना, मुझे डब्बा मिला और फिर मम्मी आ गई मैं रख नहीं पाई, इसमें बहुत वजन है। ये मेरे रेड आइटम का बॉक्स, ये मेरे वाइट ब्रोकन का बॉक्स, ये बची हुई वाइट स्लेट पेंसिल जो हम 300 स्लेट पेंसिल का चैलेंज कर रहे हैं वो, ये हमारी प्रॉपर शेप वाइट वाली पूरा डब्बा यम्मी वाइट का, मेरा फेवरेट वाइट, मुझे वाइट बहुत पसंद है। ये रेड स्लेट आइटम का पाउडर, ये नकुमट पाउडर, ये नीचे वाइट पाउडर, नकुमट के पोट। मैं इनको क्रंच अभी इन दिनों नहीं कर रही हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं है, मुझे नकुमट कम पसंद है। इनका टेस्ट हालांकि बहुत बेटर है पर मुझे कम पसंद है। रेड बटर ग्रे और ये ब्रोकन स्लेट पेंसिल वाला सोसर और ये ब्रोकन क्ले पॉट के, मैं कोशिश कर रही हूँ आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाऊं। क्लीन रेड ब्रोकन जो स्टॉक मेरे पास रखा है। ये रेड रेड ब्रोकन का डब्बा हमने ठसा ठस करके बिल्कुल ऊपर तक भरा था, ये वही है। रीअरेंज रेड स्टॉक वीडियो में दिखेगा। ये ब्लैक का बॉक्स है, कंप्लीट ब्लैक का स्टॉक है, यम्मी यम्मी ब्लैक, डीप ब्लैक। और ये क्लेपोट के क्रम्बल्स, नहीं क्लेपोट के नहीं है ये, मतलब क्लेपोट की है पर बिगेस्ट मटकी के है, जो सबसे बड़ी वाली मटकी थी ना उसको मैंने तोड़ा था वो है। और प्रॉपर ड्राई है, नीचे का पाउडर भी प्रॉपर ड्राई है, मैंने अच्छे से धूप लगा दी है ताकि इसमें करंट साउंड बना रहे। ये मेरा क्लेपोट का बॉक्स है, मेरा कोलकाता क्ले पॉट है जो कभी मैंने खाया होगा रेंडमली में मे बी। ये फुल बेल्ट है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ये भी मैंने शायद, अरे वो लंबे गले की सुराही अभी लास्ट बार मैंने खाई थी उसमें रेंडमली में, रेंडमली क्रंच में। मैं डब्बे फटाफट हटा दूं। ये है हमारी मुल्तानी मिट्टी, डायमंड शेप का बड़ा वाला पार्ट एक मैंने यहाँ पे रखा हुआ है क्योंकि ये डब्बे के अंदर आया नहीं। मुल्तानी मिट्टी के नीचे है ये हमारी वाइट खाड़ी, ये हमारी रेड क्ले, ये वाइट खड़ी नहीं है, वाइट क्ले है ये, रेड क्ले, ये हैदराबादी खड़ी। और ये खाली डब्बा है, ये पंजाब की मिट्टी का पेस्ट बनाया था मैंने जब मैं ब्रोकन वाइट का चैलेंज कर रही थी तब। ये सब ब्रोकन वाइट है, ये क्लीन नहीं है बिल्कुल भी 1%। ये बटर क्ले है, रोस्टेड बटर क्ले। और ये पिंक बटर ग्रे है जो मैंने इससे पहले दिखाया, वो रेड बटर ग्रे है। डिफरेंस दिखाऊं, हल्का सा फर्क दिखता है। ये रेड वाला दिख रहा है,
ये डार्क दिख रहा है, ये थोड़ा लाइट है, तो पिंक और रेड बटर ग्रे में डिफरेंस। ये डबल रोस्टेड बटर ग्रे है। ये ब्रोकन स्लेट पेंसिल है, आप सब जानते हैं मैंने कई साल से संभाल के रखी है। देखना एक दिन इनको भी मैं कुछ ऐसा बनाऊंगी जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, मुझे तो लगेगा ही, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये मेरी पेटी है, आपको पता है इसमें स्लेट पेंसिल गिफ्ट करी थी, वो है ये स्लेट पेंसिल श्री राधे कलेक्शन ने गिफ्ट नहीं करी थी, दीदी बोलती हूँ मैं उनको, नाम नहीं बताना चाहती, वो नहीं शायद पसंद करें ना करें, तो ये मुझे श्री राधे कलेक्शन ने नहीं दिया था, उन्होंने गिफ्ट किया था। ये लॉन्ग स्लेट पेंसिल की पॉलिथीन है और ये सारे बॉक्स जो है टोटल ओपन है, इसलिए ये अलग इसमें रखे हैं और ये अलग उसमें रखी है। हाय झुके झुके कमर। ये स्लेट पेंसिल है शायद चांदनी ब्रांड की या भीम ब्रांड की, क्योंकि मेरे पास दो ब्रांड रेड कलर के रखे हैं तो मैं भूल जाती हूँ, कभी कभी याद भी रहता है लेकिन भूल जाती हूँ चीज़ों को। ये बहुत पुराना हो गया है, ये रेड सेलिस्टोन का और ये भी रेड ब्रोकन, और ये हमारा बिगेस्ट नकुमट, देखा बिगेस्ट नकुमट के अंदर क्या घूम रहा है, इसको ये नहीं पता है मर जाएगा। ये देखो नीचे छोटे छोटे पार्ट है, ऊपर बड़े बड़े। अब बाकी मैं आपको दिखाती हूँ इस साइड वाले डिब्बे, वाइट सेलिस्टोन के क्रम्बल चाहिए सभी के सभी, और ये बहुत अर्दी है, मतलब मुझे बहुत पसंद है। वाइट ब्रोकन है जो बहुत टाइम से मेरे पास रखा है, जिनको मैंने मतलब क्रंच किया हुआ है, इसमें से आधी से ज़्यादा चीज़ें तो मैंने, और ये की रिसेली पेंसिल, पता नहीं चांदनी ब्रांड की है कि भीम ब्रांड की है ये मुझे पता नहीं। ये है मेरा वाइट क्ले का बॉक्स और इसमें रखा है वाइट प्राइड शेप, ये है 8 किलो की वाइट क्ले, और ये डब्बा भी दिखा दूंगा आपको, वाइट क्ले का जो पाउडर होता है ना, क्रम्बल्स आप कह सकते हैं इनको, पाउडर तो नहीं है, तो ये वो है और नीचे जो है ये क्रम्बल्स है। ये मेरे पास पहली वाली के रखे हैं, इसके नहीं है, ये डब्बा तो मैंने छेड़ा भी नहीं क्योंकि मेरे पास इतना बड़ा डब्बा ही नहीं कि मैं इनको निकाल के दिखाऊं। और अब आ जाती हूँ मैं अपने इस पोर्शन में, ये भी देख लो मैंने क्या हालत बना रखी है, क्योंकि मम्मी आई थी तो मैंने झाड़ू पोछा करते करते ऊपर नीचे रख दिए थे। ये है ब्रोकन स्लेट पेंसिल, ये क्लीन नहीं है, ये क्लीन नहीं है, ये क्लीन करूंगी टाइम मिलेगा तो, मेरा नेक्स्ट टारगेट यही है। ये आप जानते हैं क्रम्बल्स, ये आप जानते हैं क्रम्बल्स, ये स्टार इसमें रखा है क्योंकि मैंने पानी में डिप किया था, मैंने सोचा था क्रंच करूंगी पर फिर मैंने इसको क्रंच नहीं करा क्योंकि ये अंदर तक वेट नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे रखा है ये वाइट स्टार। ये मेरे तीनों चाकू हैं, औजार हैं जो मेरी मदद करते हैं, ये आप जानते हैं। ये मैं वॉश करूंगी और वॉश करके इनको अलग अलग करके धूप में सुखाऊंगी तब ब्रोकन के डब्बे में डालूंगी। पोलोथीन में इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि मुझे पता है कि मैं इनको वॉश करने में टाइम लूंगी, अभी नहीं करूंगी, इसलिए मैंने पोलोथीन में रखे हुए हैं कि अर्दीनेश नहीं जाएगी अगर कवर करके रखूंगी। ये सब क्रम्बल्स हैं और ये ब्रोकन बचा है। मैंने ना वो नहीं आई थी वाइट किटकैट वाइट बार, मैंने खूब सारा मंगवाया था, रेड बार लॉन्ग बार बहुत सारी नॉर्मल शेप मंगवाई थी ना, ये उसका बचा हुआ ब्रोकन है। मैंने पूरा बाकी सारा आइटम क्लीन कर दिया, इसको भी मैं अलग करूंगी तो आपको दिखाऊंगी, आप लोगों को अलग करूंगी और क्लीन भी करूंगी, छोड़ूंगी तो मैं ब्रोकन भी नहीं, आप जानते हैं मैं कुछ नहीं छोड़ती, मैंने जब ये नहीं छोड़ा तो इनको तो मैं क्या छोड़ूंगी, इनमें कोई खराबी थोड़ी है, बस टूट गए आते आते। सो डन एवरीवन। अरे हाँ ये पाउडर तो नहीं किया, ये पाउडर और देख लीजिए आप, ये पाउडर बिल्कुल भी खाने के लिए नहीं है और ये सच में फाइन पाउडर है, बहुत सॉफ्ट पाउडर है और ये खाने के लिए नहीं है बिल्कुल भी। ये देखो दबा रहे हैं ना, मुट्ठी बना रहे हैं तो मुट्ठी बन जा रही है, तो आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है, मैदा जैसा है, मैदा जैसे मैदे में हाथ डालते हैं, तो ये मैंने बनाया है इससे और इनकी बनाऊंगी मैं शेप, और मुझे बहुत अच्छा लगता है इस पाउडर के साथ खेलना, शेप बनाना, फिर उन शेप को तोड़ना, बहुत अच्छा लगता है। सो डन एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।
यही था मेरा सारा स्टॉक। ये मेरा स्लेट आइटम का पाउडर है।